अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद कोमल जी। चाहे आप टिकटॉकर हो या सेलिब्रिटी, चाहे आप पॉलिटिशियन हो या स्कूल टीचर, चाहे इवन आप माँ हो, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ अगर आज आप शो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एक लिस्ट बनाया कि आप कितने लोगों को अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं, और एक लिस्ट बनाएं जो टॉपिक्स आपके दिल के करीब हैं, जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, और फिर आप खुद रियलाइज करेंगे कि द काइंड ऑफ पावर दैट यू होल्ड एंड द चेंज दैट यू कैन ब्रिंग इन द सोसाइटी। आज जो मेरे पास गेस्ट्स हैं वो बहुत मज़े के गेस्ट्स हैं, और टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन भी पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है। डोंट गो अवे, वी आर गोना बी राइट बैक। मेरे साथ बैठे हुए एक ऐसे शख्स जो कि पहले यूएन में थे, और इनफैक्ट उन्होंने एड्स पे बहुत काम किया, लेकिन फिर एकदम से वो एक एक्टर बन गए और सेलिब्रिटी बन गए। बट द रीज़न आई एडमायर हिम अ लॉट इज़ बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अ सेलिब्रिटी, वो अभी भी अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे दूसरों की हेल्प अपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स वेलकम नवीद रजा सालिक। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव यू ऑन माय शो। आई एम आल्सो इक्वली एक्साइटेड कि हम लोग हमेशा सोचते थे कुछ साथ काम करेंगे, तो बेटर लेट देन नेवर, राइट? नेवर, यस यस यस। सो नवीद, टेल मी, आप मुझे अभी मेकअप रूम में बता रहे थे कि आप और आपकी बेगम ने एक खास शो शुरू किया है जिसमें आप फोकस करते हैं एंजाइटी, ओसीडी, मेंटल हेल्थ। तो आपको पता है मुझे माइल्ड एंजाइटी है, लेकिन मुझे ओसीडी है। आपको ओसीडी है? अच्छा, मुझे सालों लगे एक्सेप्ट करने में, जबकि मैं एक बहुत पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे एक्सेप्ट मैं नहीं करती थी, नहीं आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो एक्सेप्टेंस में और उस रियलिटी को जितना जल्दी आप एक्सेप्टेंस की आपके अंदर होगी, यू मूव ऑन। जैसे आपने छोटी सी बात कर रही थी कि जिस तरह से मैं आई वाज वर्किंग इन हेल्थ सेक्टर, मैं काम कर रहा था, आई वाज वर्किंग विद एचआईवी एड्स पेशेंट्स। एचआईवी एड्स पेशेंट के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, जो जिंदगी की एक लड़ाई, यहाँ तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिलता। नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। एंड उनके लिए रोज के फ्री सेशंस काउंसलिंग वाज अवेलेबल बाय सिंध गवर्नमेंट, जो बाहर से फंडेड भी होता है सारा, ग्लोबल फंड से। उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखने का वो भी अवेलेबल है फ्री। ARV यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिंस, वो फ्री दी जाती थी। वाओ, हाँ अभी भी दी जाती है। ये यूएन की तरफ से, ग्लोबल फंड्स की तरफ से फंड्स आते हैं, ओवरऑल दुनिया में इस तरह से इसको फंड किया जा रहा है, यूएन भी फंड कर रहा है। और अब एड्स, इज इट वेरी प्रेवलेंट इन पाकिस्तान? एड्स नंबर्स हैं हमारे पास, लेकिन इट्स एज रेगुलर एज शुगर पेशेंट नाउ। व्हाट? हाँ मतलब समझ लें, इसकी मतलब जो ARVs पहले आप सोचते थे कि बड़ी हार्ड टू रीच होती थी, आपको पता नहीं होता था, एक एड्स के पेशेंट के लिए एक स्टिग्मा था, उसके लिए था यार साथ बैठना भी पता नहीं, कोई मसला ही नहीं है। अब उनके लिए एक आपकी जो आपका जो काउंट होता है, ब्लड काउंट आपकी, जो आपके जो एक समझते हैं इम्यूनिटी होती है, वो बड़ी श्रिंक करती थी विद टाइम। लेकिन अब ऐसी मेडिसिन आ गई हैं कि आप जैसे आपका जिंदा, आपको आप डायग्नोज होने के बाद यू लिव फॉर 20 good years 25 good years, लेकिन अब आप उससे ज्यादा जी सकते हैं। आप जैसे शुगर की, आप दूसरे अमराज की मेडिसिन ले रहे होते हैं, इसी तरह से उसमें जिद्दत आ गई है, तो अब इतना बड़ा मसला नहीं रहा। अच्छा, ऐसा समझे कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ एड्स के बारे में, ठीक है? हमारे व्यूअर्स हो सकता है कोई ऐसे हो जो कुछ भी नहीं जानते, तो 2-3 ऐसे सिम्टम जिससे वो एटलीस्ट जाए डायग्नोज होने के लिए, तो पहला सवाल। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपने एक अनडायग्नोस्ड नॉन सर्टिफाइड जगह से अगर ब्लड लगवा लिया है, आपको एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता लग गया है, तो आप एक तो ये आप अपने ज़हन में रखें। सिम्टम क्या है? सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स आर कि आपका ब्लड काउंट जो है, आपका जो आपकी जो सेहत है वो बहुत तेजी से गिरेगी। आपको अगर कोई बीमारियां लगती हैं, जैसे आपको डायरिया होता है, इम्यूनिटी आपकी इतनी लो चली जाती है कि आपकी जो एंटीबॉडीज जो बॉडीज होती है वही कोलैप्स करने लगती है। कोई बीमारी हुई है वो बहुत आसानी, बहुत कम, जैसे डायरिया एक छोटी सी मिसाल है, डायरिया नॉर्मली इट गोज इन 1 week, लेकिन 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते, 5-5 हफ्ते है, क्यों है? तो आप जाके उसको चेकअप करा सकते हैं। चेकअप आप देखें, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें, डेंटिस्ट के पास जाते हैं,
मेक श्योर दैट वो स्केलिंग आपकी कर रहा है तो द इक्विपमेंट शुड बी न्यू. आप अपने बाबर के पास जाते हैं तो रेजर्स का ख्याल करें, डिस्पोजेबल आ गए, ब्लेड चेंज कराएं अपनी आंखों के सामने. हॉस्पिटल जाते हैं तो ब्लड जो आपको लग रहा है तो मेक श्योर दैट कि वो एक सर्टिफाइड जगह से है, पूरा प्रॉपरली डायग्नोस्ड है. बेसिकली ये वो एक जबरदस्त जिसे कहते हैं रिसोर्स है नवीद, जिससे मैं सारी इन्फॉर्मेशन अभी लूंगी. और नीचे यहाँ मेरे स्लाइडर पे लिखा हुआ है कि अगर आपको शक है कि आपको कोई एड्स टाइप का या हेपेटाइटिस टाइप की बीमारी है तो आप किससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और फ्री थेरेपी या काउंसलिंग के लिए आप कहाँ जा सकते हैं. इंडस हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, AKU, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्स सेंटर्स बनाए हुए हैं फॉर फ्री. तो आप डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन हमारी वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी नोन डॉक्टर हैं इंडस हॉस्पिटल में, आप वहां जाइए. और अगर आप कोविड के जमाने में खुद नहीं जा सकते तो अभी आप कह रहे थे कि ऑनलाइन सेशंस जा सकते हैं. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. अब दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको लगता है इट्स हार्ड टू रीच, एवरीथिंग इज जस्ट क्लिक. और अगर आप औरत हैं और आपको टाइम नहीं मिल रहा है या आपके पास सहूलत नहीं है तो आप हर चीज अवेलेबल है. मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में खवातीन को नॉर्मली, जब से मैंने मेंटल हेल्थ पे शोज करने शुरू किए और मैंने देखा है कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन और एंजाइटी. हमारे यहाँ बहुत ही शेल्टर्ड रखा जाता है, हमारे यहाँ बहुत ही वो एक कहते हैं ना वो प्रोटेक्टेड रखा जाता है कि रोड भी क्रॉस ना करो, भाई को साथ भेजेंगे, दोस्त के घर जा रही हो तो भाई साथ जाएगा. कॉन्फिडेंस देना चाहिए. शादी के बाद शी इज डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड, पूरी जिंदगी डिपेंडेंट ही रहे भाई. मुझे ऐसा लगता है कि काम करना चाहिए. ऑनलाइन बिजनेसेस हैं खाने के, 10,000 चीजें जो आप वीडियोस बना के डाल सकते हैं. जैसे इन्फ्लुएंसर की बात कर रही हैं आप इस शो में, आप अपनी बातों से लोगों को मुतासर कर सकते हैं, आप किसी के काम आ सकते हैं. आपका फेवरेट शो कौन सा था, आपका जो यूट्यूब आपने इतने सारे शोज किए हैं, आपका फेवरेट शो कौन सा? आई यूज्ड टू वॉच एलन्स शो, बट वो तो यूट्यूब नहीं है. व्हाट एन अमेजिंग पर्सन शी इज, बाय द वे शी इज, वो जिस तरह से लोगों की एंटरटेनमेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है वो. जिस तरह से लोगों को ओपरा आप देखें कि किस तरह से वो एक लोगों की मदद करके एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी, कमर्शियल फैक्टर भी इसमें से निकाल लेते हैं. दिस इज वेरी बिग डील. आई विश आई कुड डू दैट, यू नो, आई विश आई कुड टॉक अबाउट एंजाइटी एंड से ये गाड़ी आपकी हुई, ये गाड़ी आपकी हुई, ये गाड़ी. वन डे यू विल इंशाल्लाह. देयर इज ऑलवेज अ बेबी स्टेप टू एवरीथिंग. यस, मैं आपको ये बताऊं ना कि हमारे यहां एंजाइटी जो है वो हम सब में. तनख्वाह एक चैनल में आप काम कर रहे हैं, अभी आप स्टाफ की बात ले लें तो पहली तारीख को तनख्वाह आएगी नहीं आएगी वो एक छोटी सी एंजाइटी है. हर चीज में एंजाइटी, एंजाइटी है. घर से निकल के आप ऑफिस तक पहुंच रहे हैं, मोबाइल तो नहीं छिन जाएगा, ये एक छोटी सी एंजाइटी है आपके अंदर. अच्छा, आप जो खुद शोज कर रहे हैं उसमें से आपको कौन सा सबसे फेवरेट कौन सा शो? अभी हमने रिसेंटली एक शो किया था और हमने एक प्लेटफॉर्म पे भी किया था कि हु आर अब्यूजर्स. हमने अब्यूजर्स पे बात की थी. व्हाट टाइप ऑफ अब्यूजर्स? मेंटल अब्यूजर, फिजिकल अब्यूजर, गैसलाइटिंग, एवरीवन. अगर आपको मैं बुली करता हूँ यहाँ बैठ के आपके शो पे, आपका शो नहीं होने देता हूँ, आपकी हर बात पे कोई ना कोई एक कॉमेंट ऐसा करता हूँ जो रिलेवेंट ना हो, तो मैं अब्यूजर ही हूँ. अगर मैं चलते फिरते किसी को अपनी आंखों से अनकंफर्टेबल करता हूँ तो मैं अब्यूजर हूँ. अगर मैं किसी को टच करता हूँ उसकी मर्जी के अलावा तो मैं एक अब्यूजर हूँ. और ये एक एक आप अब्यूजर जो होता है वो हर एक आप जैसे ऑफिस में एनवायरनमेंट है कि आपको लगता है कि यार ये मुझे एम्प्लॉयर अपना अच्छा नहीं लगता, उसको तंग करना भी अब्यूज है. ये एक छोटे छोटे अब्यूज है जो आप अपनी जिंदगी में हो रहे होते हैं और कर रहे हैं. तो इससे आपको जैसे आपकी आपके छोटी सी बात, आपके घर में डोमेस्टिक स्टाफ है, अगर आपने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसे यूज कर रहे हैं तो आप अब्यूज ही कर रहे हैं. या एब्सोल्युटली भाई, इंसान है. 8 घंटे से 12 घंटे के नॉर्मल आपकी नौकरी का टाइम है, अगर आप उसको उससे ज्यादा किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक अब्यूज है. तो देयर सो मेनी टाइप ऑफ अब्यूजेस, देयर सो मेनी एनकाउंटर्स, आप उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं. हाँ, अब वही वाली बात आती है कि क्या आप अब्यूज होना ही रहना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि जी मैं बस अब्यूज होता रहूं, इस तरह से मेरी जिंदगी चल रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, यार मैं कैसे जिंदगी जीऊंगा? नहीं, सीख हेल्प. और इसी इंटरेस्टिंग पावर ऑफ इन्फ्लुएंस पे हम लोग और गुफ्तगू करेंगे. हमारे पास एक बहुत ही मजेदार गेस्ट आने वाली है
जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल है, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी. शी इज अ वंडरफुल ब्यूटिफुल गर्ल एंड आई वुड लव टू नो हर व्यूज ऑन हर पावर ऑफ इन्फ्लुएंस. डोंट गो अवे, वी आर गोना बी राइट बैक. Welcome back to Lifestyle with Komal. And we have with us a very cute, beautiful, but very, very powerful package. Chota sa hai, lekin impact kaafi dhamakedar hai. Influencer who has got millions and millions of followers on YouTube and TikTok. It gives me great pleasure to welcome Rabika Salikum. Kya haal hai aapke? Alhamdulillah, main theek, aap batayein? Main bilkul theek hoon, Rabika. Aapke millions and millions, yani hum 20-20 saal se yaar Naveed kaam kar rahe hain aur hamare millions of followers nahi. Acha, tell me, how did you get into this whole business? As you know, के social media platforms इतने सारे आ गए हैं अब. जो हमारी new generation है उसको मौका मिल रहा है videos वगैरह अपना talent show करने का. मतलब इन प्लेटफॉर्म से अपना टैलेंट शो करने का मौका मिले, तो उसी से मैंने भी स्टार्ट किया. जब स्टार्ट किया तो इतना ज़्यादा लोगों का प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा. फैंस, मिलियंस ऑफ फैंस बनने गए. आहिस्ता 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 इतना ज़्यादा मिला और इधर उधर से न्यू चैलेंज वगैरह से हमें ना आया, इन्विटेशन बुलाया इंटरव्यूज़ के लिए और कुछ गेम शोज़ में हमें पार्ट करने के लिए बुलाया. तो ये सारी चीज़ें हम लोग गए, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आप कहते हैं ना कि आप कामयाब हो जाते हो, तो ये सारी चीजें. तो कौन सा, तुम्हें क्या ख्याल है, वो कौन सा ऐसा वीडियो या तस्वीर या वो ऐसी कौन सी चीज थी जिससे एकदम से तुम जीरो टू हीरो बने? मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाई थी. मतलब बनाती रहती थी, ये नहीं कि बिल्कुल ही एक वीडियो बनाई कि वायरल हो गई, नहीं. बहुत सारी वीडियोस बनाई तो वो एक साथ एक वायरल हुई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर अब इतनी सारी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता. मेरी आज तक जितने भी ब्लॉगर्स हैं और मेरी जितने भी दोस्त हैं उनसे बात होती है, कहते हैं इट्स अ वेरी स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस. रियली? एंड यू विल बी डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. कहते हैं जैसे हम कभी भी कुछ भी कहते हैं कि हम अगर किसी चीज की फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो फूड ब्लॉगिंग किए जा रहे हैं ना, हम प्रॉपर ब्लॉगिंग करनी पड़ती है कंसिस्टेंट होके. अगर मेरी एक वीडियो पे 100 व्यूज हैं और एक पे 1,00,000 हैं तो कह रहे हैं मुझे डिप्रेस नहीं होना. हम एक्टर्स का थ्रेशोल्ड थोड़ा छोटा होता है, हमें सेंसिटिव के अलावा हमें ना वो जैसे आप हैं, you being a singer, you used to be a VJ, और आपने जिस तरह से आपकी एक पूरी जर्नी है, अगर मैं वो बात करूं तो आपको वो एक प्रोटोकॉल्स, एक प्यार, एक पूरी दुनिया में रिकग्नाइजेशन, दिस इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है ना, आपका एक 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 पूरा एक प्रोफाइल है, एक पूरा करिश्मा है. तो वो अब आप अगर आप एक वीडियो बना के डालेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें 500 व्यूज क्यों आए यार, यू गेट डिप्रेस्ड. आप कहेंगे यार मैंने इतना काम कर छोड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक जनरल बात है ना, बट आर जस्ट सो वेरी सेंसिटिव. इन लोगों के लिए बहुत एक अच्छा एडवांटेज ये हुआ है कि अब इन लोगों को चैनल्स नहीं जाना पड़ता, इन लोगों को प्रोडक्शन हाउसेस नहीं जाना पड़ता. एक छोटी सी वीडियो बनाई, रिकग्नाइजेशन हो गई, इवेंचुअली सब आना ड्रामो टीवी और इस तरह ही चाहते हैं ना. कौन नहीं चाहता, बट एक प्लेटफॉर्म मिल गया टैलेंट को शोकेस करने. अब जैसे बात है कि मैंने आज से 10 साल पहले एक शो किया था हीरो बनने की तरह, उसमें 33,000 लोगों की एंट्रीज थी, उसमें से कुछ 100 लोग सिलेक्ट हुए, 10 सिलेक्ट हुए, उसमें एक जीता वो मैं था. वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो बड़ी मुश्किलों से आती थी. हाँ, जो बड़ी मुश्किलों से आती थी. अब इट्स जस्ट अ वीडियो हो गया. So tell me one thing, have you आपने कभी अपना इन्फ्लुएंस, कभी अपनी पावर, कोई ऐसी सब्जेक्ट या ऐसी चीज लेके कभी आवाज उठाई है जिससे आप समझती हैं, आप प्राउडली कह सकती हैं कि ये पॉजिटिव एक इन्फ्लुएंस था? वैसे अभी तक तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, काफी लोग बोलते हैं, बट मैं ज्यादातर नहीं बोलती इन सब चीजों से. बहुत ज्यादा क्यों, तुम क्यों डरती हो? डरती नहीं हूँ. आई थिंक अगर गलत हो गया या सही हो गया तो इस चीज से थोड़ा सा मैं नर्वस फील करती हूं. मैं कंप्लीटली तो मैं समझती हूं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मैं 16 साल की थी जब मैंने शुरू किया, और अब आज लिटरली आज राइट नाउ मुझे अब इतनी कॉन्फिडेंस आई है आफ्टर इयर्स ऑफ बीइंग इन द इंडस्ट्री. आर यू बीइंग टू नाइव और नो नो नो, आई एम टेलिंग यू कि मैं, मुझे एक तो इजाजत नहीं थी. मैं और आपको बात बताऊं, चीजों में ना लिहाज खत्म हो गया. वरना पहले एक आदमी का वर्डिक्ट, एक आदमी की बात, या कोई एक 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 बड़ा नाम है या एक बड़ी शख्सियत है जो काबिल शख्सियत है, अगर वो कुछ कह देती तो लोग कहते थे कि हाँ यार ठीक है, हो सकता है सही कह रहा है, सुन लेते हैं. आलिम हो या कोई एक पॉलिटिशियंस हो या कुछ हो, अब ये होता है कि वो जर्नलिज्म में भी काफी रिस्पेक्ट थी. अब रिस्पेक्ट एलिमेंट खत्म हो गया है.
अब वही वाली बात है, जहां आपने पावर दे दी है लोगों को एक जस्ट अ क्लिक अवे, तो वही वाली बात है कि अब वो जिहादी है सारे फेसबुक के और इंस्टाग्राम के। बट तुम्हारा क्या ख्याल है, अब जैसे हमारी ये टैलेंटेड रबीका है, इतनी यंग है, इनको इतनी पावर मिली हुई है, इतना इनका इन्फ्लुएंस है, इनको क्या कुछ नहीं करना चाहिए? आई ऑलवेज से दैट इट डजंट मैटर व्हाट्स योर नंबर ऑफ साइज, आपका आपका अगर आप मिलियंस में हैं, आप मिलियंस में हैं, वो पीछे कुछ सौ में हैं, आपकी ऑडियंस साइज कभी ना देखें। आपको एक लोगों के लिए एक एग्जांपल बनना चाहिए अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है। अगर किसी, अब छोटी सी बात है, नूर नहीं बट स्पेशली अगर आपका ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो आपको ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। अभी भी लोग हम लोगों को जो चीजें भेज रहे होते हैं या पैकेजेस भेज रहे होते हैं या पीआर भेज रहे होते हैं, जो पेड कॉन्टेंट होता है, हम वो लगा ही रहे होते हैं ना, क्यों, उसके पैसे मिल रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं। नूर का वाकया ले लें, कुरतुलैन का वाकया ले लें, या जिस तरह से चीजें हुई हैं पिछले दिनों, तो क्या हमें वो लगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? है, आपको लोगों को अपडेट करना जरूरी है। लॉकडाउन आया या कोविड आया, अब मैं मास्क पहन के 25 तस्वीरें लगाऊंगा, मैं लोगों को इस बात पे एम्फसाइज करूंगा कि यार मास्क पहनो, मुझे फॉलो करते हो ना, मास्क पहनो। सो रबीका टेल मी, आपकी फैमिली जो है या आपकी आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो जब से आप फेमस टिकटॉकर बनी हैं, उनका कुछ चेंज हुआ है, यानी कुछ आपने इन्फ्लुएंस किया है उनका एटीट्यूड? जब आप जब मशहूर हो जाते हो तो कुछ फ्रेंड्स आपके होते हैं, एक हो जाती है जेलेसी वगैरह जो आ जाती है, बट ये है कि मैं जेलेसी हो जाती है, टेल मी मोर। हाँ, जेलेसी मतलब एक होता है ना कि ये हमसे आगे क्यों जा रहा है, ये हमसे मतलब ये बातें हो जाती हैं। तो कुछ दोस्तों से आपकी कुछ इसी वजह से ना कुछ फ्रेंडशिप्स खत्म हो गई, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डरती भी हूँ। What about your parents? मेरे पेरेंट्स और जो मेरी फैमिली है वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे फैमिली में मेरे फादर, मदर, मेरे भाई वगैरह सब बहुत ज्यादा। तो क्या तुम्हारा गोल क्या है, तुम इवेंचुअली तुम पूरी जिंदगी तो टिकटॉकर नहीं रह सकती? नहीं, एग्जैक्टली नो, मुझे वैसे एजुकेशन कंप्लीट करनी है, ये कोविड की वजह से थोड़ा फंस चुके हैं, बट एजुकेशन डॉक्टर बनना है मुझे। ओके ग्रेट, तो वो कंप्लीट करूंगी, फिर एक्टिंग की फील्ड में और मे बी सिंगिंग की फील्ड में। अच्छा, तो डॉक्टर बन के तुम्हें सिंगर बनना है? सिंगिंग का शौक है, मतलब अभी भी मुझे बहुत शौक है, मेरा एक गाना भी आया था अभी, बट मुझे सिंगिंग का ऐसा शौक है, एक्टिंग का भी शौक है। अगर कोई ऐसी ऑफर, मतलब ऑफर्स तो आती रहती हैं, बट एजुकेशन की वजह से मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि वो जब तक पूरी नहीं होगी तो मैं थोड़ा। बट मुझे एक बात बताओ, और ये मैं बहुत अच्छी तरह कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ताना शाना नहीं, नहीं, नहीं। डॉक्टरों की सीट बहुत लिमिटेड होती है, तो अगर तुमने मेडिकल प्रैक्टिस करना है तो डॉक्टर बनो, मेरी ये राय होगी एज समबडी, एज योर बड़ी बहन। डोंट वेस्ट द सीट, डोंट वेस्ट द सीट, क्योंकि वैसे ही शादियों के बाद बहुत ज्यादती होती है लड़कियों के साथ। 70% जो रेशियो है 70-30 होता है, 70% लड़कियां हैं, कितना जुल्म है, जिसमें से 20% जो है वो बाहर चली जाती हैं, और बाकी जो है तकरीबन आप समझ लें कि 40% जो है वो मैरिड कर हो जाती है, और 10% जो होती है मेरा पूरा ननिहाल डॉक्टर है, सेम है, और जितनी भी लड़कियां हैं वो माशाल्लाह अभी तक प्रैक्टिस कर रही हैं, बच्चे उनके हो चुके हैं और वो फिर भी प्रैक्टिस कर रही हैं। लेकिन अगर आप सिंगर बनना चाहती हैं और उसमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई शर्म नहीं है, मैं सिंगर हूँ और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ। I think she wanted to do surgery while singing. मैं हार्ट सर्जरी कर रही हूँ, उसमें गाना गाए रंजिशी। नो बट सीरियसली, अगर आपको सिंगिंग करनी है तो आप म्यूजिक क्लासेस लें, आप सितार क्लासेस लें, आप कीबोर्ड में प्रोफिशिएंसी हासिल करें, आप गिटार में प्रोफिशिएंसी हासिल करें। अगर आप एक्टिंग करना चाहती हैं तो आप नैपा जाएं या आप कोचिंग क्लासेस लें, बिकॉज यू नो हमारे यहाँ जो अब तुम जैसे जो लोग हो जो अब आ रहे हो इस फील्ड में, हम लोगों को देखो किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, हम लोग बस ऐसे ही एमी, बस रफ डायमंड्स, खैर मैं तो वो भी नहीं हूँ, रफ डायमंड्स जो हमारे बैठे हुए हैं वो जो है वो खुद उनको अपने आप को पॉलिश करना पड़ा। बट तुम लोग तो अब तुम लोगों के पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यू कैन गेट वीडियोज हैं। Thank you very much, Navi, for coming on my thank show. Thank you very much for inviting me. Thank you so much from the bottom of my heart. No, it was and a very good and different show. I must thank admire you for that and your team. कि ये for the first time in 10 years मुझे ऐसा अच्छा लगा कि किसी ने नहीं पूछा कि आजकल और क्या हो रहा है। हाँ, सबको पता आजकल क्या हो रहा है यार, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जाके देख लो क्या हो रहा है। हाँ, पता है ना सबको नहीं, और आप जो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं उसके बारे में भी बात होनी चाहिए, होनी चाहिए। एंड आई विल टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम यू दैट यू विल बी विजिटिंग अ कैंसर वार्ड पेशेंट फॉर द किड्स इन इंडस हॉस्पिटल विद मी, आई प्रॉमिस, आफ्टर कोविड, आफ्टर कोविड। या हमें ये काम भी जरूरी है, हम लोगों को, लोगों को, लोग अगर हमारी तरफ देखते हैं
तो हमें उनकी उनका भी ख्याल करना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके गाइस, थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त आ गया है, कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि अब जो एक रबीका के एक खास दोस्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके भी हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे और उनको उनके साथ और रबीका के साथ हम और मजे की बातें करेंगे। वी आर गोना बी राइट बैक। वेलकम बैक टू लाइफ स्टाइल विद कोमल। हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी बच्ची और बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बैठी हुई है रबीका, लेकिन उनको ज्वाइन किया है उतने ही बड़े इन्फ्लुएंसर ने जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंसर हैं, और मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि वो अपनी इन्फ्लुएंस किस तरह यूज़ करते हैं और उन्होंने कैसे शुरू किया। तो आए वेलकम करते हैं हुसैन तरीन को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू हुसैन? अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। हुसैन, आप किस तरह आए इस फील्ड में, क्या सोच के आए और कैसे आए? बिना सोचे आया था मैं। बिना सोचे आए थे? ओके। मतलब मैंने स्टार्ट किया था 3 years ago। ओके। और मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं था, लाइक मेरा दोस्त मेरे पास ये एप्लीकेशन लेके आया था टिकटॉक, और ही आस्क्ड मी टू जॉइन इट, एंड आई वाज लाइक यार पागल हो गए हो क्या, मतलब मैं क्यों, मतलब और मैं तो बहुत कूल हूं यार, मतलब मैं तो बहुत कूल हूं, मैं इसके लिए शायद बना नहीं हूं आज तक, लाइक मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ऐसे करके यहां पर जॉब करूंगा और मेरी लाइफ बिल्कुल सही है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे ही मैंने स्टार्ट किया और फिर मुझे मजा आने लगा इधर, क्योंकि आई एम हियर टू एंटरटेन पीपल, और मुझे बहुत मतलब लाइक मैं फनी वीडियोज ज्यादा बनाता हूँ ना, तो इस वजह से मुझे ज्यादा मजा आने लगा और इस तरह बस स्टार्ट हुई मेरी जर्नी है। सो टेल मी हुसैन, अब आपको यू नो आपके 6 million+ फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, 6 million+, तो आपने कभी सोचा है कि आप इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, कि आप कोई इस तरह भी इन्फ्लुएंस करें जिससे शायद कुछ लोगों की नॉलेज में इजाफा हो या उनकी हेल्प हो? मोटिवेटेड वीडियो? हाँ, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस। मैं इस इन पर्टिकुलर कंटेंट पर वर्क कर रहा हूँ और इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा मोटिव यही था कि इतने सारी आवाम को अगर मैंने गैदर किया है तो ऑब्वियस उनको एंटरटेन तो नहीं करना ना हमेशा तक, उनको कोई अच्छा मैसेज भी पहुँचाना है, लाइक जो सिचुएशन चल रही है आजकल, तो उस चीज़ों के भी मतलब जैसे जो बुरी चीज़ें होती हैं लाइक रेप हो गया और इस तरह जितनी भी सारी चीज़ें, उसके लिए अवेयर करना कि उससे किस तरह बचा जाता है, और अगर आप डिप्रेशन या जिस भी जोन में है, मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ कि आपको आप उससे किस तरह निकल सकते हैं, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। और मैं व्हाट हैव यू बीन थ्रू, टेल मी कि आप किस किस चीज़ से गुजरे? मैं बहुत चीज़ों से गुजरा हूँ, लाइक आप डिप्रेशन से कह रहे हैं, आप गुजरे कह सकते हैं, लाइक जरूरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड है, आप भी इस फील्ड की, आपको पता होगा कि इस फील्ड में कितना कुछ होता है, हार्श भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक बट आप पर होता है। मैं तो रोई हूं, बकायदा रोई हूं मैं, क्योंकि लोग सोच बगैर सोचे कमेंट कर देते हैं, मतलब ये चीज जो व्यूअर्स हैं और वो चीजें वो नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सिर्फ हमारे ऊपर होती है, तो लाइक अगर हमारे पास एक सिंगल हेट कमेंट भी आ रहा है तो हम उसको भी पढ़ के मतलब हो जाते हैं यार क्यों, हमने शायद इस तरह कुछ किया नहीं फिर भी क्यों, तो इस वजह से बस बाकी इन चीजों पे मैं वर्क कर रहा हूँ इंशाल्लाह। नो दैट्स ग्रेट दैट आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि अभी मैं रबीका से पूछ रही थी तो रबीका कह रही थी कि उनको डर लगता है, राइट? तो आप हमेशा फिर नहीं, हमेशा तो नहीं डरती, नहीं आप सेफ रहेंगी आने वाले कुछ महीनों तो सेफ रहेंगी। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप बात करना चाहती हैं? नहीं, कोई ऐसा है नहीं, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है आपका, कोई है जो आपके दिल के करीब है जिसपे आप आवाज उठाना चाहते हैं? हक की आवाज। हक की आवाज, ओ ये तो यहाँ पर तो बहुत बहुत लोगों का हक जो है वो कुचल दिया जाता है, जब ही तो फर्स्ट टाइम पे, तो क्या मे बी वुमेन्स राइट्स? नो, नॉट अबाउट वुमेन राइट्स, बट जो भी जिनके साथ भी, अगर वो वुमेन भी है तब भी, लाइक मैं वो वुमेन मार्च वाला नहीं हूँ, तो उससे हटके फेमिनिस्ट में नहीं आते हैं आप, तो मर्दों के कौन से हुकूक हैं जो आपके ख्याल में कुछ ले जाते हैं? अभी मर्द बनने तो दें, अभी तो लड़का अभी आप मैं बच्चा हूँ अच्छा रबीका, क्या आपके ख्याल में इतने छोटे उम्र में इतना पावर, इज इट अ गुड थिंग?
Yes, good thing, क्योंकि उम्र नहीं होती कभी भी. आप जब आगे बढ़े होते हो, टैलेंट जब आपके अंदर होते हैं, तो आप किसी भी उम्र में आगे बढ़ जाते हो. और ये चीज़ मेरे लिए भी है कि मैं जब छोटी थी, तो मैं जब से मुझे शौक था, तो बस मैंने उस शौक के लिए अपने लिए किया. तो ऐसे करके मैं आगे बैठी रही. मेरे ख्याल से ये कोई बुरी चीज नहीं, बुरी चीज तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम सेंसिबल हो, तुम समझदार हो. लेकिन इतनी छोटी उम्र में क्या सब लोग इतने सेंसिबल होंगे अपनी पावर के साथ? I don't think. कोई ऐसा है, आप दोनों किसी ऐसे टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर, नाम लेना जरूरी नहीं है, आप जानते हैं जिन्होंने गलत मैसेज पहुंचाया हो या अपनी इन्फ्लुएंस सही तरीके से यूज नहीं किया? बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं. मतलब अगर टिकटॉक को कोई हेट देता है तो वो भी अपनी उस पर राइट है. क्योंकि टिकटॉक पर ऐसी चीजें लाई गई हैं, जब भी लोग मतलब इस तरह हुए हैं, अगर हम वहाँ पर एंटरटेन कर रहे हैं, वहाँ पर अगर अच्छे मैसेजेस पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर वो सिर्फ लाइक से लेके वहाँ पर हैं. तो दे डोंट केयर अबाउट इट. कुछ भी फॉर फेम, कुछ भी फेम के लिए, एनीथिंग फॉर फेम. तो आपके लिए वो कौन सा ऐसा लाइन है जो आप क्रॉस नहीं करेंगे? इज्जत. और जो चीजें, अगर आपको पैसा दिया जाए बहुत सारा कि भाई ये प्रोडक्ट जो आप कभी मर के भी यूज नहीं करेंगे, मैं आपको 10 मिलियन दे रही हूँ, आप ये प्रोडक्ट एंडोर्स करें, क्या आप करेंगे? मैं अगर कर लेता तो मैं यहाँ नहीं होता जहाँ बैठा हूँ. हाँ, क्योंकि आपके फॉलोअर्स आपको ट्रस्ट करते हैं. ट्रस्ट करते हैं और वही हैं सब कुछ हमारे लिए. या एब्सोल्युटली. अच्छा रबीका, टेल मी व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट पोस्ट? अभी जितने आपने पोस्ट बनाए हैं, सारी नहीं, सारे नहीं, एक चूज करना होगा. एक बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत सच्ची ऊंची सही बोल रहे हैं, क्योंकि सारी ही मेरी फेवरेट होती है, फेवरेट होती है जब भी मैं अपलोड करती हूं. अच्छा, तो मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं कोई भी गाना बनाती हूं, उस वक्त तो वो मेरा फेवरेट होता है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट गाना बना रही होती हूं, तो मैं समझती हूँ काश मैं उस गाने में करती, फिर मुझे वो पसंद बिल्कुल भी पसंद, मैं सुनना भी नहीं चाहती, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, अच्छा नहीं है, अब इससे कुछ और अच्छा. क्या आप लोगों के साथ भी होता है? बिल्कुल होता है. तो टेल मी, हाउ डिड यू टू मीट? इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? मतलब बहुत कोइंसिडेंस था हमारा, हम फिल्म में मिले थे. कोई नहीं, उससे पहले इन्होंने मुझे विश किया था, बर्थडे विश खुद किया था इन्होंने. बर्थडे विश किया था? लाइक नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मैं टिकटॉक यूज करता था, मतलब ऑब्वियस ये फॉर यू पे आती थी मेरे पास. तो लाइक मैं ऐसे था कि यार ये बिल्कुल अलग है, मैं जब भी देखता, मेरी कभी बात नहीं हुई ना. हाँ, मतलब बिल्कुल सिंपल. और होता है ना कि मतलब एक ही बार जब वीडियो देखते हैं, मतलब इतने सारे लोग आते हैं, लाइक रुक जाता है बंदा कि हाँ बिल्कुल अलग बात है. मतलब तो दिल दिमाग सब कुछ रुक गया बेसिकली. नहीं, ऐसी दिमाग वाली नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी लगी थी वीडियोस वगैरह, अच्छी लगी थी इनकी, तो इस वजह, क्योंकि उस वक्त कोई सारी वीडियोस ऐसे ही होती थी, अब कोई एक अच्छी आती है तो ऐसी बात है, बंदा एक मिनट के लिए रुक जाता है. हाँ, जमाना आ गया है यार. एक तो हमारा जमाना था और एक तुम लोग स्क्रोल कर रहे हो, कितने ऑप्शन है यार तुम लोगों के पास. अच्छा, तो आपने बर्थडे विश किया, आपने क्या जवाब दिया? रिप्लाई थैंक यू, बस बिल्कुल जैसे एटीट्यूड में होते हैं ना, थैंक यू, ओह माय गॉड, थैंक यू, बाय बाय. अच्छा, ऐसे मत, ऐसा कुछ नहीं. ओके, एंड देन फिर इन्होंने तो फिर कोई लिफ्ट नहीं कराई, फिर आप लोग जी फिर हमें फिर लिफ्ट कराई, फिर मैंने लिफ्ट नहीं कराई. मुझे लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगता, ये तो हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन टिकटॉक में टिट फॉर टैट हो रहा था बेसिकली. फिर आपने बात छेड़ी कुछ? फिर मैंने बात नहीं छेड़ी, फिर खुद आए वीडियो बना लो मेरे साथ, तो फिर वीडियो बनाए मैंने इनके साथ. अच्छा, तो यानी एटीट्यूड था लेकिन वीडियो भी चाहिए था. फिर वीडियो दिया आपने? जी नहीं, इनके पास था नहीं, हम दोनों ने बनाया तो वीडियो आया. हाँ, वो ही ना, वीडियो दिया एज एन वीडियो रिकॉर्ड करके आपने. अच्छा, ओके. एंड नाउ कितने साल से आप लोगों की दोस्ती है? दो साल हो गए. तो आप लोग मिलके भी बनाते हैं बहुत सारे वीडियोस? जी बहुत सारे वीडियोस. तो वो भी कॉमेडी होते हैं, फनी होते नहीं, हैं? नहीं, वो बेसिकली सॉन्ग्स पर होते हैं, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन उसमें ज्यादा अच्छे हैं. अच्छा. अब मैं तो मतलब ऐसे
ये वाले में ज्यादा अच्छा हूँ, मुझे कॉमेडी करना पसंद है। हाँ। अब इनके साथ होके ये करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब अगला जो अगला नहीं लेकिन आने वाले दिनों में आपने मेरे गाने पे करना। मेरे इतने सारे गाने, कोई सा भी आप चूज करें, डन प्रॉमिस। अच्छा ओके, सो नाउ आई एम गोना आस्क यू, आपने साथ जितने पोस्ट्स बनाए, आपका फेवरेट कौन सा? सारे नहीं यार, कम ऑन कम ऑन, एक कोई चूज करो। हम आप, मैं अपनी सिंगल सिलेक्ट करने में इतना हूं तो मतलब साथ में तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता। सारे कितने सारे बनाए? बहुत सारे। आप हमारे इंस्टा प्रोफाइल पर देखें, बहुत सारे। ओह, एक अलग अलग पोजेस में। ओके, सो व्हेन, जब आपको रवि का आपसे मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, जब आपको हेट कमेंट्स मिलते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? मैं रोने लग जाती हूँ, मैं बोलती हूँ क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, फिर लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर डिलीट करके बस कोई बात नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर हेटर्स हैं तो वो मुझे एक मोटिवेशन ही मिलती है उनसे, मैं बोलती हूँ कि रहने दो, कोई बात नहीं। और कभी कोई ऐसा कमेंट आपके और हुसैन के बारे में, कोई ऐसा कमेंट जिसको जो आपको अच्छा नहीं लगा? काफी लोग करते हैं और करते भी हैं वो अपने लिहाज से, लेकिन आप डरी नहीं? डरी नहीं, मेरी मर्जी में कुछ भी कर। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी करें, तो आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किसी ऐसे टॉपिक पे जैसे नूर मुकद्दम या जो भी, तो क्यों नहीं यूज करते? तुम तो अभी कह रही थी तुम डरती हो, अब तुम कह रही हो नहीं, मतलब डरती इस बात से नहीं, बात करने से डरती हूँ कि इस टॉपिक पे मैं बात करूँ। ये मतलब कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली मुझे है कि अगर कोई मुझे हेट दे रहा है या कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियली? यस। ओके, बट अभी तुम कह रही थी तुम रोई हो। हाँ, तो वो स्टार्ट में होता है, लेकिन अगर आपके होता है तो लाइक, ये जब मैंने अपनी डिप्रेशन वाली बात शेयर की तो उन्होंने इस पे बोला कि ये भी रोई है, तो ये स्टार्ट में सबके साथ होता है कि हो जाता है, लेकिन फिर ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और ये आवाज उठा सकती है। मतलब अगर वो पर्टिकुलर टॉपिक पे ये आवाज अगर नहीं उठा रही तो उसकी वजह ये है सिर्फ कि ये नहीं चाहती कि आगे लोग और ज्यादा हो जाए ना, कि मतलब क्योंकि बात से बात बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। हाँ, तो मैं नहीं चाहती बात बढ़े, बस यहीं पे सेट डाउन कर। ये बहुत डिसेंट तरीका है कि आप बस इग्नोर कर दें और डिलीट कर दें। मैंने तो पढ़ना ही छोड़ दिया है, मेरी जो पीआर कंपनी है वो अब मेरे संभालती है और मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे बहुत बहुत वो होता है सोच के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ब्लेस्ड दैट एटलीस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे हेट कमेंट बहुत कभी कभी आ जाता है, लेकिन अगेन मैं इतना ज्यादा क्योंकि कंटेंट नहीं बनाती हूँ, जबरदस्ती मुझसे बनवाया जाता है, तो फिर मेरा इतना वो वहाँ रुझान भी नहीं है। सो टेल मी, आपने सुना है कि गाना बनाया है? जी मैंने गाना बनाया, थोड़ा सा गा के गा के हूँ, कभी मुझे भी कोई गा के सुना है। तो मतलब अपना ही गाना सुना? बट वो पार्टी सॉन्ग है, वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो कुछ और सुना दो जो तुम अच्छा गा सकती हो विदाउट म्यूजिक। अच्छा, जो अच्छा लगे। बूहे बारियां तैन लिखदा टपके, बूहे बारियां तैन लिखदा टपके, आवंगे हवा बनके, बूहे बारियां है बूहे बारियां। ओह सो स्वीट, आपके सबसे बड़े फैन तो आपके बराबर में ही बैठे हैं। ओके रबीका, हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। मेरी आप दोनों से एक बहुत ही दिली रिक्वेस्ट है कि आप दोनों बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोग शायद अभी रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आप कितने पावरफुल हैं और आप कितनी हेल्प कर सकते हैं, और इस वक्त हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना जॉनरा चेंज कर दें, लेकिन वंस एवरी वाइल कुछ आवाज जरूर उठाएं, बिकॉज इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। Yeah, we will work on it. Stay tuned because next week I'm going to be back with even more exciting topics with equally exciting guests. Don't go away, I'll be back next week. Love you guys. Bye.